है, मैं तो कभी भगवान जी के पास भी जाऊंगा ना तो भगवान जी से कहूंगा, भगवान जी रोजाना हमें हमसे धोखे ही मत लगवाया करो, कभी दो कदम आगे बढ़ाकर खड़े हो जाया करो और हमें भी गले लगा लिया करो। कब तक अपनी पूजा करवाते रहोगे, कब तक हमसे मुफ्त का चंदन लगवाते रहोगे, अरे कभी दो कदम खड़े होकर के आगे बढ़ा करो और हम भक्तों को अपने गले लगा लिया करो। चलो गुस्से को निकालते हैं। एक शब्द है, राजस्थानी शब्द है, उम्मीद है मध्य प्रदेश में भी चलता होगा, मध्य प्रदेश वाले को राजस्थान से कमजोर नहीं है और वो ऐसी की तैसी। राजस्थान में एक बड़ा शब्द चलता है, वो ऐसी की तैसी, और मध्य प्रदेश में भी एक शब्द चलता है ऐसी की, चलता है कि नहीं? उम्मीद रखता हूं चलता होगा, पूरे हिंदुस्तान में चलता होगा, अरे पूरे वर्ल्ड में चलता होगा, इंसान तो सारे के सारे एक जैसे ही है ना, भाषाएं बदल गई तो क्या हुआ, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और इसी को हम लोग अपनी चालू भाषा में कहते हैं ऐसी की तैसी, ये गुस्से तेरी ऐसी की, निकाल के फेंकते हैं तेरे को। अब तो अपन केवल प्रेम से जिएंगे, आनंद से रहेंगे, और आनंद से रहने के लिए जो पहला फॉर्मूला आप लोगों को दे देता हूं, चूंकि मैंने गुनगुना लिया था जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, तो पहला फॉर्मूला ही मुस्कान से जोड़ कर दे देता हूं, और वो फॉर्मूला यही है, अपने आप को लाफिंग बुद्धा बना लो। गुस्से को अगर अपनी जिंदगी से निकालना है तो पहला काम करो और वो है अपने आप को लाफिंग बुद्धा बना लो। हंसता मुस्कुराता हुआ बुद्ध पुरुष, हंसता मुस्कुराता हुआ ज्ञानी पुरुष। किसी ने मुझसे कहा आप क्या हैं, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या हूं, पर इतना जरूर मालूम है कि मैं लाफिंग बुद्धा हूं। हंसता मुस्कुराता हुआ एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा हर हालत में मुस्कुराता है, जिस आदमी का केवल एक ही निर्णय है और वो निर्णय ये है, हर हाल में मस्त रहो। क्या निर्णय है? हर हाल में मस्त रहो, कोई आके सम्मान दे जाए तो भी, हर हाल में मस्त रहो, और कोई आके गाली दे जाए तो भी, पापा डांट दे तो भी, क्या करो, हर हाल में मस्त रहो। सासू अगर दो टेढ़ी टिप्पणी कर दे तब भी क्या करो, हर हाल में मस्त रहो। अरे भाई कहने वाले कहते रहेंगे, अगर हर कहे हुए को अपने माथे पर लेते रहे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अब कितने बातों को माथे में लेवे, अब सासू है, अब सासू है, सासू का पत्त तो दिन में 10 बातें कहती है, अब 10 बातें कहती है तो अब किस किस बात को दिमाग में लेवे। और ऐसे ही आज की बहुएं हैं भाई, ये पहले से ही माथे चढ़ी आई रहती है, इनके मम्मी पापा पहले से ही प्रमोट करते रहते हैं, घबराना मत, अगर ससुराल में थोड़ी सी तकलीफ हो ना चली आना। तो वहां से भी वो, अब जमाना अलग आ चुका है, किस किस बात को दिमाग में लेकर के बैठोगे। इसलिए अपने तो लोग रहेंगे बस्ती में, अपन तो रहेंगे मस्ती में। आप लोगों ने घर में मंदिर जरूर बनाया होगा है? आप लोगों के घर में कार होगी, आप लोगों के घर में स्कूटर होगा। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपने घर में एक चीज और बना लीजिए, छत पर, नीचे, आंगन में, कहीं पर भी, और वो है एक झूला जरूर बना लीजिए। अपने घर में एक झूला बना लीजिए और झूले के ऊपर एक पट्टी लिख के रख दीजिए, हर हाल में मस्त रहो। और जैसे ही दिन में कभी टेंशन हुआ, गुस्सा हुआ, कुछ मत करो, आकर के झूले पर बैठ जाओ और मस्ती लेना शुरू कर दो। 10,000 में झूला बन जाता होगा, पैसे अंटी में ना हो तो रस्सी तो अपने घर में है ही है, लटकाई उसके ऊपर एक बोरी रखी, और अगर और बैठ गए सावन के झूले चले। अभी तो वैसे भी सावन का महीना है, सावन का महीना पवन करे शोर, जीरा रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। तो अभी तो वैसे भी सावन के झूले चले, तो झूला लटका लो, और जब भी लगे थोड़ा टेंशन हो गया, थोड़ी चिंता भिंता हो गई है, थोड़ी चिंता भिंता हो गई, थोड़ा गुस्सा फुस्सा आ गया, ऐसी की तैसी, किसकी, मेरी नहीं है, उस गुस्से की, उस गुस्से की ऐसी की, वो की वो कर डालो। और उसको हटाने का तरीका क्या होगा, घर में झूला लगा लो, उसके ऊपर पट्टी लिख दो, हर हाल में मस्त रहो। जैसे गुस्सा आ जाए ना, छोड़ो यार धमाल मस्ती को, झूले के पास चले जाओ,
क्योंकि टाइम आ गया है। झूला झूलने का कोई फिक्स टाइम नहीं, रात को 2 बजे भी झूला झूल सकते हो। अगर रात को 2 बजे भी पत्नी ने आपका कहना नहीं माना तो आ जाओ भाई, झूला झूल लो और आकर के वही पहले पट्टी पढ़ लो, हर हाल में मस्त रहो। पट्टी पढ़ी और झूलने के लिए मस्ती लेने लग गए, 5-10 झूले खा लो, 10 मिनट में गुस्सा, ब्रिटानिया 50-50 गुस्सा ठंडा 50% में। तो आपने जैसे ही पट्टी पढ़ी ना, हर हाल में मस्त रहो, उतने में ही आपका गुस्सा ठंडा, और झूला झूल लोगे तो 50% बचा हुआ तब भी ठंडा, और फिर भी अगर ठंडा ना होना तो चंदा प्रभु जी को याद कर लेना और वहीं पर ही मस्त हो जाना, तालियां बजाना, मस्त लेना, 2 मिनट में गुस्सा साफ। याद रखना, जैसे गुस्सा आ जाए तो क्या कहना, गुस्सा तेरी ऐसी की, जब हक बार निकल, फालतू आता है, हमारे कर्मों का बंधन करता है, हमारी आत्मा को गिराता है, हमारे घर में जहर घोलता है, जब हक बार निकल। घर में कुत्ता आ जाए तो क्या करता है, ओ कहते हो पधरो पधरो सा, अंदर पधरो सा, जीमो सा, थाली लगावा सा, चांदनी थाली लगावा। अरे गुस्सा है कुत्ता, और गुस्से में क्रोध और कुत्ते में ज्यादा फर्क नहीं है, क्रोध और कुत्ते में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे कुत्ता प्यार करोगे तो जीभ से आपको चाटेगा, और गुस्सा करोगे उसे दुत्कारोगे तो दांत मारेगा। दोनों ही हालत में नुकसान आपको ही है, रेबीज आपको ही होनी है। क्रोध और कुत्ते में ज्यादा फर्क नहीं है, कुत्ते को डंडा देके बाहर निकालो और गुस्से को भी बाहर निकाल। आ गया है बिना पूछे बेटा, जवाई की तरह बाहर निकालो उसको, कुत्ते को और गुस्से को, क्रोध को, दोनों को घर से बाहर निकालो। ये काम के नहीं है, ये 1 मिनट के लिए आते हैं पर बहुत सारा तहस नहस करके चले जाते हैं। कुत्ता काट खाए तो 14 इंजेक्शन खाना पड़ता है, पर क्रोध काट खाए तो 14 जन्मों तक इंजेक्शन खाने पड़ते हैं। एक बार क्रोध करोगे तो भगवान जी 14 बार इंजेक्शन ठोकेंगे रेबीज वाले, कभी नरक में डालेंगे, कभी उस कड़ाई में डालेंगे, कभी वो करेंगे। अपने तो लाफिंग बुद्धा बन जाओ। चाइना ने आजकल एक वास्तु दोष दूर करने के लिए एक प्रतीक बना दिया है, वो है लाफिंग बुद्धा। पता है लाफिंग बुद्धा कौन सा होता है? एक मोटा पेट वाला आदमी, एक हाथ पीछे और मस्ती लेने वाला आदमी। लाफिंग बुद्धा एक ऐसे देव पुरुष हुए, एक ऐसे महाज्ञानी पुरुष हुए जो कभी कोई उपदेश नहीं देते थे, कोई ज्ञान की बात नहीं कहते थे। कोई भी व्यक्ति जाता, कोई समस्या सुनाता तो हंस देते केवल एक ही काम, ओनली लाफिंग, लाफिंग इज प्रिंसिपल, केवल हंसना मुस्कुराना ही उनका सिद्धांत था। और हमेशा अपने आप को हंसना मुस्कुराना शुरू कर दो। आपका बाथरूम है ना, बाथरूम का जो गेट है उस पर ले जाकर किसी चार्ली चैपलिन का फोटो टांग देना, ताकि उसको देख के आपको हंसी आ जाए। किसी चंद्रप्रभ का फोटो देख रख लेना, उसको देख के हंसी आ जाए। किसी ललित प्रभ का फोटो रख लेना, उसको देख के हंसी आ जाए। किसी भी रूप में हंस लेना, पर हंस लेना रोती सूरत लेकर जीने की बजाय हंसते मुस्कुराती सूरत लेकर जीना कहीं ज्यादा अच्छा होता है, वो कहीं ज्यादा अच्छा होता है। लाफिंग बुद्धा, हंसते मुस्कुराते इंसान बन जाओ, अच्छा होगा। जिन लोगों के गुस्सैल स्वभाव की प्रकृति हो ना, वो थोड़ा सा अपने आप को हंसमुख स्वभाव का बना ले, विनोदी प्रकृति का बना ले। बात बात में जो लोग क्या नहीं, ये वो जो गुस्सा खाते रहते हैं, वो थोड़ा सा जो कुत्ता भी होता ना, वो ऐसे करता हूं, और क्रोध करने वाला भी एक मिनट में हूं करता रहता है। और ऐसे ये लोग जो करते रहते हैं उनके लिए क्या करो मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है। जिंदगी एक आनंद है, लेने का तरीका आना चाहिए। तो जब जब लगे गुस्सा आ गया, तब तब अपन लोगों को ऐसे कोई न कोई तरीके बना लेने चाहिए, अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को थोड़ा सा विनोदी, थोड़ा सा खट्टा मीठा। खट्टा मीठा स्वाद अच्छा लगता है ना, क्यों बच्चों? टॉफी खट्टी मीठी अच्छी लगती है ना, कच्चा मैंगो है ना खट्टी मीठी होती है, बड़ी अच्छी लगती है। क्यों लगती है? खट्टा मीठा। अपना स्वभाव भी थोड़ा सा खट्टा मीठा बना ले। चलिए मैं आप लोगों का स्वभाव थोड़ा ठीक कर देता हूं, और स्वभाव ठीक करने के लिए कहता हूं, ऐसा हुआ
एक दिन एक बहन हमारे पास आई और आकर कहने लगी कि साहब साहब मेरा बच्चा, एक बहन आई और आकर कहने लगी साहब मेरा जो बच्चा है ना वो क्या बताऊं, हर समय अंगूठा चूसता रहता है, हर समय अंगूठा चूसता रहता है, क्या करूं, कोई दवा बता दीजिए। मैंने सुना है कि आप दवा भी बता देते हैं। मैंने कहा हां भाई दवा तो बता देता हूं। तो मैंने कहा है बच्चा, वो लेके आगे बोले ये ना छोटा वाला बच्चा। तो मैंने देखा उसके चड्डी पहनी हुई है, डोरी से बंधी हुई है। मैंने कहा ये डोरी वाली चड्डी क्यों बांधी है, बोले गिर जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा एक काम करो आपको दवा चाहिए ना, बोले हां। वो क्या हुआ, संयोग की बात, वो आ गई थी शाम को 6 से 7 के बीच में, और वो अपना टाइम 24 घंटे में 1 घंटा टाइम अपना कौन सा है, मटर गश्ती करने का टाइम। 23 घंटे गंभीर रहो भाई, 1 घंटा तो आनंदपूर्ण भाई जाओ। तो वो आ गई और मैंने कहा सब कोई दवा बता दी। मैंने कहा एक काम करो बहन जी, आप एक काम करो घर जाओ, दवा वा की जरूरत नहीं, केवल एक काम करो इसकी जितनी भी चड्डियां ना सबकी डोरियां निकाल दो। मैंने कहा कुछ मत करो घर जाओ और इसके जितनी भी चड्डियां हैं सबकी डोरियां निकाल दो। तो बोले कि डोरियां निकालने से क्या होगा। मैंने कहा जाओ तो सही, कुतर्क जल्दी करने लग जाते हो, घर जाओ दवा बताइए तो इस्तेमाल करो। तो गई, गुरुजी का कहना था जाके सबकी डोरियां निकाल दी, और वो अगले दिन आई बोले साहब गजब हो गया। बोले क्या हो गया, बोले अंगूठा चूसना बंद हो गया। किसी ने पूछा क्यों कैसे छूट गया, बोले अब जनपुर पैंटी पकड़ता रहता है तो मुंह में अंगूठा कहां से जाएगा। लाफिंग बुद्धा अपने आप को ऐसे हंसते रहा करो, दिन भर गुलाब के फूल की तरह खिले हुए रहा करो, ये मायूस चेहरा हटा दो। अगर एक ये फॉर्मूले तुम्हें 20 बता दूंगा कि हमारी जिंदगी में गुस्सा ना आए, एक फॉर्मूला पहले पूरी तरह जी लो तो भी गोटी हो गई फिट और गुस्से की हो गई ऐसी की